अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। प्लीज जी छोड़िए हमें। प्लीज जी छोड़िए हमें। प्लीज। खत्म करके मैं इसे हमेशा के लिए अपना बनाऊंगा। केतारी कुछ पता चला? नेम बड़े मलिक वहां तो कोई है नहीं। कहां चला गया? सुमन का फोन आया था और वो हमारी एंगेजमेंट छोड़ के ही चले गए। सुमन? जानती थी मैं। जल्दी चाहिए। आप लोगों को ऐसे अकेले छोड़ दे। भैया पापा के होश में आने से पहले दीदी को यहाँ से ले जाइए। चलो सुमन, इस वक्त यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा। हमारी बात सुनिए। ये अंदर नहीं आएगी, कोई जरूरत नहीं लाने की इसको।
सुमन अब यहीं रहेगी इसी घर में। ये अब यहां से कहीं नहीं जाएगी। किस हैसियत से रहेगी यहाँ? कौन से अधिकार से रहेगी यहाँ पर? राय बहादुर खानदान की बहू की हैसियत से। जिस हैसियत जिस अधिकार से आप यहाँ रह रही हैं बड़ी मां, उसी हैसियत और उसी अधिकार से सुमन भी इस घर में रहेगी। काबूल है तुम सुमन बहू? काबूल गए हो तुम? हाँ, तुम हमारा तुलना इस लड़की से कर रहे हो, इससे? अरे बेटा, इतने सालों से जो हम अपना खानदान का मान मर्यादा प्रतिष्ठा के लिए परंपरा निभाते रहे, उसका ही सिला मिल रहा है हमको। सालों से जिस खानदान के लिए विधवा धर्म निभा रहे हैं हम, उसके सामने एक कल की आई लड़की को खड़ा कर दिया तुमने बड़ के बुआ। मैंने किसी को आपके सामने खड़ा नहीं किया बड़ी माँ, मैं बस इतना कहने की कोशिश। नहीं, कुछ नहीं कहो, तुम तो कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। मारा गया है तुम्हारा, बड़ा जादू कर दिया है लड़की ने तुम पर, सही और गलत का परिभाषा ही भुला दिया। मैं कुछ नहीं भूला हूँ बड़ी माँ, लेकिन शायद आप भूल गई हैं कि सुमन नंदन की पत्नी है, जिसे माँ ने बेटी का दर्जा दिया, आपको छोड़कर घर के हर सदस्य ने जिसे स्वीकारा है। आप बस अपने अहम में इसको इसका अधिकार नहीं देना चाहते। अरे विधाता, मेरे कान क्यों नहीं बहरे हो गए सुनने के पहले? अपने ही परिवार से, अपने बड़ के बउआ से विधाता। ए झुटकी, तुम देख लो अपना लाड़ प्यार का नतीजा। बेटी बनाया तुमने इसको ना, तुम्हारे बेटे का मत ही भ्रष्ट कर दिया इसने, सही गलत सब भुला दिया। तुम्हारे बड़ के बहू ने इस लड़की के चक्कर में आया हुआ हमारे सभी का। हमने कभी नहीं सोचा था बाबू जी की हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, इसीला मिलेगा, अपने खानदान का परंपरा मान मर्यादा सब कुछ संभाल के रखने में इतने सालों में हमको इसीला मिलेगा, हम नहीं सोचे थे बाबू जी। बाबू जी, आपके बड़ के बेटे के जाने के बाद इतने सालों में एक बार भी हमारे लिए समाज से कोई सवाल उठाता, और ये मनुष्य के लिए तो समाज से हर बार बारंबार सवाल उठते रहे इस खानदान के ऊपर, फिर भी बड़ के बुआ ने हमारा तुलना इस लड़की से कर दिया, हमारा तुलना कर दिया। और ये सारे सवाल भी आप ही ने खड़े किए हैं बड़ी माँ। अंशुमन, अपने से बड़ों से इस लहजे में बात करने की परंपरा नहीं है हमारे खानदान में। फैसला सही है या गलत, तुम अपनी बड़ी माँ से इस लहजे में बात नहीं कर सकते। लेकिन दादाजी, मैंने गलत क्या कहा? मैं तो बस इतना कह रहा। अंशुमन, चुप रहो, अपनी बड़ी माँ से माफी मांगो। अपने बड़ों से ऐसे लहजे में बात करना गलत बात है, यही सिखाया हमने तुम्हें। मुझे माफ कर दीजिए बड़ी माँ, हाँ मैं गुस्से में था और मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मेरा मकसद आपको ठेस पहुंचाना नहीं था बड़ी माँ। अब आप ही बताइए, बड़े पापा के जाने के बाद जब आप विधवा हो गई थी, क्या घर के किसी भी सदस्य ने आप पर कोई दबाव बनाया? क्या किसी ने भी आपको सड़क पर दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया? नहीं ना, तो फिर सुमन के साथ ऐसा क्यों बड़ी माँ? सड़क पर तो सुमन को भी किसी ने नहीं छोड़ा अंशुमन जी, ये खुद अपनी मर्जी से गई है। आंटी जी माफ कीजिएगा, आप भी हमारे घर में बस एक मेहमान हैं, और बुरा मत मानिएगा, लेकिन अभी तक हमारा पारिवारिक रिश्ता बना नहीं है, और अगर बन भी जाएगा तो भी ये सवाल पूछने का हक तान्या का होगा, आपका नहीं।
देखिए पलकों की छांव में टू सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।